तो आज ट्राई करते हैं एक फेमस स्ट्रीट फूड. आप लोग गेस करना ये कहाँ का है. मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने टैग किया था तो आई थॉट इसको एक बार ट्राई करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे ना दो आलू उबाले सुबह सुबह उठकर. फिर उसमें से मैंने सोचा यार एक ही आलू करती हूँ, एक आलू का हम सैंडविच वगैरह कुछ और बना लेंगे. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक आलू लिया, उसे खूब ज़्यादा ऐसे पैदा ये बहुत गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे. अगर आप ट्राई करो ना ठंडा करके आलू करना, कभी मेरी तरह महान बनो. खैर कोई नहीं, फिर ये आलू हो गया, इसे अच्छे से मैश कर लिया, इसमें कोई भी हल्की फुल्की गुठली ना रहे. फिर मैंने इसमें डाली ग्रीन चिली, और मैंने दो ग्रीन चिली कट किया था. फिर थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला और प्याज डाली. आपको और कोई सब्ज़ियाँ मतलब यही टमाटर वमाटर ऐड करना है तो वो आपकी चॉइस, मेरे को नहीं करना था क्योंकि आलू मुझे थोड़ा सा स्वीट सा लग रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि टमाटर ऐड करूँ थोड़ा सा और स्वीट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं ऐड किया. खैर फिर उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स किया. इसमें मैंने नमक ऐड किया. अब नमक ऐड करने के बाद यू हैव टू टेस्ट कि नमक सही बैठा है या नहीं. तो यहाँ पे मैं नमक ऐड किया, फिर इसको टेस्ट किया नमक को, ये परफेक्ट था. मतलब इतना मैंने नमक डाला था, परफेक्ट डाला था. ये रहा ना, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स विक्स किया. और ये मिक्स करने के बाद ना अब हम मेन इन्ग्रीडियंट लेंगे. ये है, पहले मैंने प्लेट ली, ये है मेन इन्ग्रीडियंट. हमारे यहाँ पे इसे लैला की उंगली बोलते हैं, यूपी साइड बिजनौर साइड. आप लोग बताओ आपके यहाँ क्या बोलते हैं. और सिर्फ वो वाले लेने हैं जिसमें बीच में स्पेस हो, कभी पतला वाला ले लो, उसमें फिर आप फिल नहीं कर पाओगे, बड़ी मुश्किल से फिल होगा. तो यहाँ पर मैंने एक फिल किया, दो फिल किया, ऐसे करके अच्छा खासा फिल कर दो. तो अगर आप चाहते हो मैं अलग अलग स्ट्रीट फूड ट्राई करूं घर पर, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो बाय द वे. और जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया हो ना, तो मैं पक्का वो ट्राई करूंगी. एक इसमें से ये है जो मैंने ट्राई नहीं किया, पर मैंने इसकी इतनी सारी वीडियोस देख ली. और आपको गेस करना है कहाँ का स्ट्रीट फूड है, और सही जवाब को मैं पिन कर दूंगी. ओके चलो ठीक है. तो फिर इसे अच्छे से ज़्यादा फिल किया, एक फिल हुआ, दो फिल हुआ, तीन फिल हुए, फिल करते रहो अच्छे खासे. उसके बाद हमें यह काम करना है. मेरे पास ना पतली वाली सेव आती है ना, वो नहीं थी मेरे पास, मोटी वाली सेव थी, तो आई यूज़ दैट. अगर आपके पास वो भी है ना, आलू वाली भुजिया जो होती है हल्दीराम्स की, वो भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन मेरे पास मोटी वाली सेव थी, तो इसलिए मैंने मोटी वाली सेव यूज़ की. आप मुझे कॉमेंट में बताना आप के यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है, जो मतलब आपको ये बहुत पसंद है और वो बहुत फेमस है, मुझे कमेंट में ये भी बताना ठीक है. उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे हमने सेव ली है ये वाली, ये मोटी सेव थी. यू कैन ट्राई पतली वाली जो मैंने आपको पहले बता दिया. फिर क्या, एक एक उठाना है इसको, इस साइड से भी करना है और दोनों साइड से, मतलब आलू की साइड से हमें ये करना है. लेकिन देखो अब मैं इसकी टेस्ट की बात बताती हूँ. ये सब करने के बाद ना मैंने आलू गरम गरम डाले थे, हल्का सा सौगी हो गया था पर टेस्टी था. यू हैव टू ट्राई दिस, मतलब अच्छा था, आई लाइक दिस. और मे बी आलू गरम डालने की वजह से सौगी हो गया हो, ये भी हो सकता है कि मैंने आलू गरम गरम डाले तभी उबाला और तभी बना दिया. इस टाइप से किया. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. कमेंट ज़रूर करना, जो जो मैंने पूछा है ना सारे कमेंट्स करना. ओके ये टेस्टी था, वीडियो अच्छी लगे दोबारा वाली लाइन बोलो. ओके जी, ओके बाय. और ना अगर आप चाहते हो मैं भी नए नए स्ट्रीट फूड ट्राई करूँ घर पर बना के, तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करना. ओके बाय.